सर कंपनीज, तब हमने सबको एक ही बात बोली कि आप अगले 3 महीने और कहीं भी माल बेचने का मत सोचिए। आज 5,500 रुपये में सरकार आपके साथ MSP लेके खड़ी है, तो आपको आंख बंद करके सिर्फ सरकार को, CCI को और महाराष्ट्र फेडरेशन को ये माल आपको बेचना होगा, या मन बना लीजिए। उसके लिए जो उनके टर्म्स कंडीशन है, किस तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, किस तरह की गुणवत्ता का कपास लगेगा, इस सब का गाइडेंस हमने उस FPO मीटिंग में दिया। काफ़ी FPOs को हमने पर्सनली भी गाइड किया, हमारे स्टाफ भी गए थे वहाँ पर ट्रेन करने के लिए। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि कॉटन गुरु की उस FPO मीट जो 15 नवंबर को थी, उसके बाद करीबन 1.5 महीने में हमारे FPOs ने 150,000 क्विंटल कपास CCI में खाली किया, सभी को वो मुआवजा मिल गया। और उस समय वो भाव मार्केट से करीबन 8 से 10 प्रतिशत उनको अच्छे मिले। तो खर्चा निकला या नहीं ये एक बात है, लेकिन मार्केट के जो सबसे ऊंचे भाव है वो हमें मिले कि नहीं ये भी देखना है। तो ये हम उस समय कर पाए थे, तभी व्यापार युद्ध चल रहा था अमेरिका चीन का, जनवरी महीने में व्यापार युद्ध खत्म होता दिखा, तब हमने फिर वीडियो के द्वारा आप सभी किसानों को बताया कुछ दिन और रुक सकते हैं, ये अगर व्यापार युद्ध खत्म होता है और उसके कुछ अच्छे परिणाम स्वरूप चीन अब रुई का इंपोर्ट ज़्यादा करता है तो इस बाज़ार में थोड़ा पॉजिटिव फर्क आ सकता है, या ये बाज़ार थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन फरवरी महीने में जैसे ही चीन के कोरोना वायरस रोग ने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया, उसके बाद हमारे कंटिन्यूस वीडियोस आपने देखे होंगे, और आप सब जिन्होंने भी फ़ोन किया होगा हम आपको यही बता रहे हैं कि ये महामारी है और महामारी का असर 3 से 6 महीना कम से कम टिकता है। फिलहाल मार्केट कपास की मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन CCI के CMD ने अभी अनाउंस किया है कि 30 सितंबर तक कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की खरीदी MSP भाव से चालू रहेगी। तो ये एक किसान के लिए बहुत अच्छी बात है, जो भी आपका अच्छा कपास है, जो भी CCI में पास होता है, पेमेंट चाहे 4 दिन आगे या पीछे हो, धीरज रखें और CCI को बेचें। जब भी ये मार्केट फिर यहाँ से कोई भी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाने लगेगा और MSP अगर क्रॉस करता दिखाई देगा, हम आपके सामने वापस हाजिर होंगे आपको बताने के लिए कि आपके पास क्या पर्याय है। फिलहाल तो सरकार, CCI, नाफेड, महाराष्ट्र फेडरेशन, ये हमारे लिए बेस्ट चॉइस है कपास के लिए, और किसानों को वही माल बेचते रहना चाहिए। तो काफ़ी किसानों का जो फ़ोन पर और व्हाट्सएप से जो सवाल था, उसका कॉटन गुरु का जवाब मार्च महीने में ये है, अभी फिलहाल MSP के भाव से बेचना और CCI को बेचना ही आप सबके हित में है। इस सीज़न के लिए और आने वाली बुआई की सीज़न के लिए 2020 के लिए कॉटन गुरु की तरफ से सभी किसानों को शुभ मंगल कामना।